still working, I'm still learning, I'm still searching, finally yearning, something finally turning, something called a problem. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping out the picture. तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब ये जो गेम प्ले मैं आज आपको दिखा रहा हूँ भाई, इसकी एंडिंग देखना, कतई जान हलक में अटकी हुई थी और मैं खुद कैसे बचा मेरे को खुद नहीं पता, और आप ये चीज खुद देखना। अब भाई जब आप हर बंदे को बॉट समझने लगते हो तब यही दिक्कत होती है। यार मैंने बॉट समझ के हल्के में लिया और टीममेट ने किल लिया। फिलहाल जो भी हो उसके दो बंदे मैंने नॉक कर दिए थे और एक और मेरे को दिख गया था पीछे की तरफ भागता हुआ। फिलहाल यहाँ पर तीन किल तो एटलीस्ट मेरे को मिल ही गए। अब वो भाई साहब एएफके थे और मैंने फिर से तीन को डाउन कर दिया था और आखिरी जो बचा था उसको टीममेट खा गया, तो ये स्क्वाड तो देखते ही देखते नहीं पड़ गई। अब फिलहाल मेरे सामने एक स्क्वाड थी और हम लोग के साइड वाले कंपाउंड में भी एक स्क्वाड थी, और प्रॉब्लम ये थी कि जोन ऐसा बना था कि हम लोग के पास बहुत ही कम कवर था और जो था भी वो दोनों तरफ से पिट रहा था। अब यहाँ पर हम लोग के सामने बंदा और राइट साइड वाले कंपाउंड में बंदा, तो समझ में नहीं आ रहा था हम लोग किस पे फोकस करें, क्योंकि जब एक तरफ फोकस करते थे तो दूसरी तरफ से पड़ने लगती थी। अब बस कान के पास से साएं गोलियां ही निकलनी थी। अब सामने वाले जो थे वो दिख साफ रहे थे बट वो रिच के असल में पीछे थे, तो जब हम लोग फायर करते थे तो उनको लगती नहीं थी गोलियां और सिर्फ गोलियां वेस्ट हो रही थी। मैंने इधर भले एक बंदा नॉक कर दिया लेकिन उसको रिवाइव हो जाना था क्योंकि इधर मैं नॉक हो गया। फिलहाल मेरे को भी रिवाइव मिल गया। अब स्कूबी तो पहले ही फिनिश हो चुका था लेकिन यहाँ पर कृष्णा भी नॉक हो गया और यहाँ पर हम लोगों ने रिवाइव देने की कोशिश करी, बट प्रॉब्लम ये थी कि हमको जोन में जाना था, वो भी पूरा ओपन से, और स्मोक की बहुत ज्यादा किल्लत थी। अब मैंने सबसे पहले इधर स्मोक कर लिए क्योंकि सामने की तरफ हम लोग जा नहीं सकते थे और इधर एक स्क्वाड थी जो हम लोग को मार सकती थी।
यहाँ पर मेरे पास कोई रिज नहीं थी, बस एक हल्की सी एंगल थी ढाल में, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बच रहा था, लेकिन कभी भी एक अच्छा स्प्रे मेरी जान ले सकता था। तो मैंने आगे स्मोक कर दिया। अब मेरा एक टीममेट नॉक था और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे बचाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा ओपन था। लेकिन उसने भी बोला यहाँ पर रिज है और मेरे को भी रिज अच्छी खासी दिख रही थी, तो मैंने रिज को उठाया और उसको बचाने की कोशिश करी। अब यहाँ जोन कुछ ऐसा बना था कि जो सामने दो बंदे थे उनके पास कमाल की रिज थी। एक के पास थोड़ा पहाड़ टाइप की रिज थी और दूसरा वाला एक रिज के अंदर बैठा हुआ था, तो वो आराम से कवर में जा सकते थे। और हम लोग के पास एक वाइड रिज थी जिसपे हम लोग ज्यादा घूम भी नहीं सकते थे, क्योंकि पीछे ही जोन था और प्लस हम जोन से बाहर थे, तो हमको ये रिज छोड़ के ओपन नहीं जाना था। तो यहाँ पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से एक को नॉक कर दे, लेकिन कोई नॉक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब सिर्फ मैं था सामने दो, और प्लस मेरे को जोन में भी जाना था, आधा तो मैं जोन से ऑलरेडी बाहर था। अब यहाँ पर मैंने एक नेड करा, ये फाइनल नेड था, इस उम्मीद में कि शायद वो मर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक को नॉक करके भले ही एक ओपनिंग खोली थी अपने लिए, लेकिन जोन ने मेरी हालत खराब कर दी थी, लेकिन मेरे को यहाँ पर उनके ऊपर पुश करना था। भाई साहब कतई इजी चिकन डिनर। I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Enemies ahead. That's the consequence. I got this. I will not quit. Man, I'm trying to launch quick. It's just a matter of time. प्रॉब्लम नहीं है, मिनीफाई में दर्द आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है। We'll be right back.